हम निकलने वाले हैं, पूरी पैकिंग हो चुकी है क्योंकि हमारे पास पूरा पैकिंग करना है। आशुतोष जी सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा वेट करवा दिया मैंने इसको अपने घर पे, लेकिन फिर भी सब ठीक है, सब नॉर्मल है। आज गाड़ी चलाएंगे। Please, no! No! सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर का नाम है झुलनीपुर। हम लोग पहले जाएंगे, वहाँ से नेपाल क्रॉस करेंगे और हम लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा है बॉर्डर यहाँ पे। ये एक त्रिवेणी नदी है, जो वो वही नदी है जो हिमालय से निकला है। और ये जो आप देख रहे हैं जगह, ये जो पुल क्रॉस करके जाएंगे तो वाल्मीकि नगर पड़ता है, जो बिहार में पड़ता है। अभी तो इस टाइम हम लोग नेपाल में हैं और हम लोग यहाँ से सीधे अब त्रिवेणी चले जाएंगे, जो कि वहाँ पे शंकर जी का दर्शन करेंगे। गज गजराज मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है, शीश महल है। तो आगे है, तीन घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग अपने मेन जगह पर पहुँच चुके हैं, त्रिवेणी आ चुके हैं। और ये त्रिवेणी में एक एक घाट है जहाँ शंकर जी का एक बहुत ही विशाल मूर्ति है, जो इसी त्रिवेणी नदी के बीचों बीच बनाया गया है। लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और ये जब बाढ़ आता है त्रिवेणी में तो पूरी तरह से डूब जाता है। और ये काफी दूर चलने के बाद एक अजीब सा रास्ता मिला है, रास्ते को और आगे कि कहाँ जाता आगे देख सकते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ है कि नहीं। बहुत काफी दूर से चल के आ रहे हैं हम लोग, अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है, पता नहीं कहाँ। देखिए ये रास्ता पे तो हम लोग आ गए हैं, आगे क्या है देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी एक त्रिवेणी का घाट है जो कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। आप लोग एक बार जरूर आइए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़ा सा शांति महसूस हो रहा है, कोई आसपास तो है नहीं, चिड़ियों की आवाज आ रही है, पसीने से पूरे भीग चुके हैं हम लोग। और ये देखिए अच्छा है, अभी जहाँ हम लोग को पहुँचना है वहाँ तक तो अभी हम लोग पहुँचे नहीं है, लेकिन आगे चल लेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं। और रास्ता हम लोग का यही है, सीधे यही रास्ता पकड़ के आगे हम लोग जाएंगे। और ये जगह पूरी तरह से प्रकृति से घिरी हुई है। हम लोग हैं नेपाल में और नेपाल और इंडिया के टाइम में 15 मिनट का डिफरेंस है, क्लियरली 15 मिनट का डिफरेंस है ग्लोबल टाइम से। 4-5 घंटे बाद अभी को नजर आया एक रेस्टोरेंट, देखते हैं बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है की रेटिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं, चल पहले चाय पीते हैं अभी जो भी यहाँ पे अवेलेबल। अब अंदर हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा रेस्टोरेंट था, काफ़ी ठीक ठाक था। अब यहाँ से हम लोग सीधे धाम पे जाएंगे, त्रिवेणी धाम, और देखते हैं क्या सीन। ये है नदी नीचे और ये ऊपर जो मंदिर है ऊपर है वहाँ पे, नीचे ये है नदी पहाड़। त्रिवेणी मीन्स गंगा, गंगा का महत्व बनारस वाले ज़्यादा समझते होंगे अगर वो अस्सी घाट जाते होंगे। और ये देखिए ये है गौराज मंदिर। इस मंदिर के पीछे बहुत ही अनोखी कहानी है। लोग कहते हैं कि एक हाथी का बच्चा नदी में पानी पीने गया और मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और हाथी ने कृष्ण भगवान को बुलाया और एक शराब था जिससे दोनों। दोस्तों ये है मेन मंदिर, यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। इसके अंदर कैमरा ले जाना तो वर्जित है, कैमरा नहीं ले जा सकते, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। मंदिर से घूम के बाहर चले आए, बहुत ही बढ़िया मंदिर था अंदर। मंदिर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, लेकिन अफसोस यही है कि आप लोग नहीं देख पाएंगे। आप लोगों को घूमना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और वो वर्थ इट होगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अंदर, मतलब जो कलाकार जो कलाकृति की गई वो इंडिया वालों ने की है और बहुत ही अच्छा इनोवेटिव एंड खूबसूरत क्रिएटिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा 3D में थी। काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है, एक बार विजिट कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हम लोग और ये पास में जो त्रिवेणी नदी है ये आप देख सकते हैं जो अभी हम लोग शीश महल में निकल रही है, महल है शायद वो शीश। और ये सीधे आगे कटान है बहुत ज्यादा नीचे, पहाड़ से ये आया हुआ नदी है जो कि त्रिवेणी नदी है, जिसको आगे इंडिया में जाने के बाद इसको लोग गंगा जी बोलते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं।
अच्छा लगता है शीश महल सुन के, लगता है कि शीशा का महल होगा। वो अंदर ही जाके पता चलेगा कि कैसा है शीश महल। और ये है शीश महल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ शीश महल। आप शीश महल लिखा हुआ है तो प्रवेश द्वार भी है। दोस्तों ये रहा शीश महल, कभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कृष्ण और राधा जी का मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर है, जो आपको दिखाते हैं। शीश महल के अंदर काफी कुछ कमाल का है, मतलब चारों तरफ अपना ही तस्वीर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और बहुत सुंदर कट किया गया है, शीशे से ही सब चीज़ बना दिया गया है, फुल डिजाइनिंग सब टोटली शीशे का ही है। देख सकते हैं इसका व्यू कितना अच्छा लग रहा है, लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये टोटली शीशे का है जो भी आप, और ये बहुत ही सुंदर जगह है त्रिवेणी जगह। और यहाँ पे गज गजराज मंदिर है जो बहुत ही सुंदर बनाया गया है, और अंदर तो कैमरा ले जाने नहीं दिया जाता, नहीं तो ज़रूर आपको दिखाए होते हैं। और ये देख सकते हैं ये बाहर का सीन बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर अगर आप आते हैं दिन भर रहेंगे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर आएँ। भोपड़ी वाले गड्ढा बेचे, अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी।